विदिशा जिले के पठारी में खुरई ज्ञानोदय सर्वमंगल विद्या मंदिर खुरई द्वारा वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए एक साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसे शपथ यात्रा का नाम दिया गया है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य क्रमांक 3 है, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली। इसका उद्देश्य सभी को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना और सभी के जीवन में सुधार लाना है। एवं लक्ष्य क्रमांक 13 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना है। इन्हीं वैश्विक लक्ष्यों में अपना योगदान देने के उद्देश्य को लेकर खुरई ज्ञानोदय विद्यालय द्वारा इस जागरूक यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सुबह 7 बजे ज्ञानोदय विद्यालय खुरई से पठारी और पठारी से खुरई तक निकाली गई, जिसमें बच्चों ने साइकिल द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय की। इस रैली का नगर पठारी में बच्चों के परिवारजनों ने साइकिल रैली में आए बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। यहाँ पर लाने का उद्देश्य है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, गोल नंबर 13 और 3, जो 3 नंबर लक्ष्य है सतत विकास कौशल का, 3 नंबर लक्ष्य है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और 13 नंबर लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन, समाज को उनके प्रति जागरूक करना। एक शपथ यात्रा हमने निकाली है साइकिल रैली के रूप में। इसका उद्देश्य यही है कि हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को, आयु के लोगों को जागृत करें, समझाएं, जागरूक करें कि ये जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको शीघ्र हम पूर्ण करने की कोशिश करें और अपनी सहभागिता प्रदान करें अपने देश को विकसित करने के लिए। यहाँ आकर क्या लगा बच्चों को? बच्चे बहुत उत्साहित हैं आपने? बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ के पठारी के हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। इस अवसर पर मैं अपने चेयरमैन सर और प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें हमारा उत्साहवर्धन किया और इस साइकिल रैली को के लिए अनुमति प्रदान की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।